और मैं उठा और इतनी ठंड है ना, मैं अभी मुंह धो के आया हूँ, मेरे हाथ जम चुके हैं। ये देखें हमारे टेंट के साथ ही पानी जा रहा है, उस तरफ भी पानी जा रहा है। तो आज रात जो थी ना बड़ी मज़े की थी, इतनी पीसफुल रात थी, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस इसकी पानी की आवाज़ आ रही थी। तो इतना मज़ा आया ना, आपकी सोच। अस्सलाम वालेकुम और सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो भाईजान इस प्यारे से व्यू के साथ आप सबको फिर से खुशामदीद करता हूँ अपने व्लॉग में। तो यार अभी कर रहे हैं दमथल कैंपिंग सिटी को अलविदा और हम निकल रहे हैं वापस अस्तोर के लिए। भाई रात से सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, वैसे दिन में जब हम आए थे ना तो इतनी सर्दी नहीं थी। अभी सर्दी, अगस्त का महीना है और सर्दी इतनी है कि आप देखते हैं मुंह से धुआं निकल रहा है। तो भाई अभी बिल भी दे दिया है, 3 बंदों की रिहाइश थी और 4 बंदों का रात का खाना था, जिसमें हमने ऑर्डर की थी 1 किलो कढ़ाई और 10 नान थे, तो वो हमें पड़े थे 3500 के और 1500 रुपये पर हेड जो है वो कैंपिंग पड़ी है। तो टोटल हमारा जो यहाँ का बिल बना है वो बना है 8000, मतलब 8000 में ऐसी बेहतरीन रात, मज़ा आ गया। अभी निकलते हैं वापसी के लिए। तो भाई अभी मिनी मार्ग में रुके हैं, यहाँ पे चेक पोस्ट है जहाँ पे NIC कल जमा करवाए थे, तो वो NIC वगैरह वापस लेते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई जैसे ही बुर्जुल टॉप से उतरते हैं और मिनीमर के लिए रास्ते में जाते हैं तो ये एक ब्रिज वो आता है, झील आता है, अभी हम इसमें रुके हैं और यहाँ से व्यू चेक करें। ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये व्यू है यहाँ का, झील का। तो भाई मैंने कल वाले कपड़े चेंज कर लिए, कपड़े तो नहीं हो लेकिन खाली शर्ट चेंज करी है और चप्पल पहनी हुई थी वो उतार के शूज़ पहन लिया, क्योंकि यहाँ पर तस्वीर वगैरह खींचेंगे तो ड्रेसिंग जक्कासी होनी चाहिए। शाफे भाई की सालगिरह भी है, हम केक लेके आ गए थे वहीं से, आपको दिखाया भी था, तो अभी केक काटते हैं यहाँ पे इस लोकेशन पे फुल VIP तरीके से। झील व्यू माशाल्लाह अच्छा है यार। शाफे भाई ये सोच रहा हूँ ये पानी आया कहाँ से, क्योंकि कोई आबशार वगैरह तो इधर आ नहीं रहा। अभी खालिद भाई की तरफ वो भी पागल है, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके माशाल्लाह यार कितना साफ है। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। भी बुर्जुल टॉप आए, कैंटीन है तो कुछ लेते हैं यहाँ से। प्रिंस बिस्कुट दे दो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो।
पांच घंटे जीप ट्रैक करने के बाद वापस पहुंच चुके हैं अस्तोर। अभी हमें अस्तोर में और अस्तोर से निकलने हैं नारांग की तरफ। अभी सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और फिर करते हैं सफर का आगाज। यार अभी अस्तोर में और अस्तोर में भी बहुत ही गर्मी है। अभी पेट्रोल भरवा लिया तो बस निकल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि चेंज कर लूँ, पेंट उतार के शॉर्ट पहन लूँ, क्योंकि यार गर्मी अभी चिल्लास में तो और ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। भाई मैंने शॉर्ट और शर्ट पहन लिए तो अब वापस का सफ़र जारी करते हैं। अभी रास्ते में रुके हैं, पता नहीं कौन सी जगह है, नाम नहीं पता मुझे। यहाँ से लेते हैं जूस वगैरह। बर्फ जैसे जाते वक्त भी तुमसे लेके गया था, स्टिंग भी एक दे दियो। सर मैंने तो अपने लिए लिए स्टिंग, बाकी स्लाइस जूस वगैरह लिए। अभी वापस करते हैं सफर शुरू। चिल्लास के करीब है और रास्ते में आगे हो चुकी है लैंड स्लाइडिंग, तो पूरा रास्ता बंद हो चुका है। अभी आगे जाते हैं और देखते हैं क्या। ओहो भाई वहाँ तक जाम है। स्लाइडिंग की वजह से नारायण का कैंसिल, वापस निकल रहे हंसा की तरफ, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लगने वाला है। ज़्यादा रास्ता तो ऐसे लोगों की वजह से बंद है जो आ रहे हैं दूसरी लाइन में। अब ये कोस्टर इतनी बड़ी गाड़ी है, वो भी दूसरी लाइन में आ रही है, जबकि आगे जगह ही नहीं है। आगे देख भी रहे हैं कितना जैन है, फिर भी यार रास्ता पूरा डस्ट हो चुका है, धुआं देखें आप बस। यहाँ पे भी आगे मशीन लगी हुई है, तो हमारे नसीब में तो खज्जल खुआ दी है। ये वाले रुक गए और वहाँ पे वो क्रीन जो खड़ी हुई उसने काम स्टार्ट कर दिया, और हमें चाचा ने दिए हैं सूखे हुए अंगूर, तो ये खा रहे बड़े मज़े के यार ये। एंड फाइनली इस तरफ से खुल गया, तो वापस चलते हैं। शाबे भाई, अस्सलाम वालेकुम। ड्राइवर ने चाय पीनी थी इसलिए कड़ी बंगला में रुके हैं। यहाँ से बाकी 27 किलोमीटर है गिलगित, लेकिन हमें जाना है हुंजा, तो हम गिलगित में नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट जाएंगे हुंजा। भाई ड्राइवर पी रहा था चाय जब तक हमने ले लिया कोल्ड ड्रिंक। भाई नगर में यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि लग रही थी भूख काफ़ी ज़्यादा, दिन का खाना भी नहीं खाया था हमने। और ये सामने है बर्गरस्तान, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने बर्गर के ऑर्डर वगैरह दे दिए, तो अभी चल के खाते हैं बर्गर। और यहाँ से मैं आपको व्यू चेक करवाता हूँ कि देखें क्या व्यू आ रहा है। दिन में जो मज़ा होगा ना सुबह में इस व्यू का, अलग ही एक मज़ा होगा, शोर से नहीं सिर्फ पानी का। तो अभी चलते हैं ये बर्गरस्तान पे। तो शाबे भाई क्या सीन है फिर खाने का? बर्गर बिलाल भाई मंगवाते हैं इनसे ना। कौन सा बर्गर मंगवाना है भाई? चिकन क्रिस्पी कर देते हैं। ये वाला? चलो तो भाई हम बर्गर मंगवा रहे हैं। तो भाई जान खाना आ चुका है, बिस्मिल्लाह करके अब खाते हैं खाना।
तो भाई जान बर्गर खा लिया और बर्गर बड़ा मजे का था इन पहाड़ों में, और इतने मजे का बर्गर ना मैं कहता हूँ एक अलग ही वाइब है। तो सामने खड़ी हुई हमारी गाड़ी, अभी वापस निकलते हैं मजा की ओर। फाइनली अल्लाह के फजलो करम से हमजा पहुंच चुके हैं, एक होटल पे रुके हैं बुर्जे आलम। तो भाई अभी इसको लेके जाते हैं रूम में। अरे यार अगर बात करो यहाँ के वेदर की, तो वेदर इतना कोई मतलब ठंडा नहीं है ना ही गर्मी है, सही है नॉर्मल है। अभी मैं शॉर्ट्स में हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, लेकिन ये कि सही है मज़े का वेदर है, वरना फिर ज़्यादा ठंड में भी मसले होते हैं, ज़्यादा गर्मी है। तो लोगों के चाबी किसके पास है? भैया भाई खोल लो, मेरे हाथ में मोबाइल है। सही है बस।